आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कि हम फेसबुक अकाउंट कैसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। काफी दोस्तों ये कमेंट्स आ रहे थे कि फेसबुक अकाउंट डिलीट करते हैं लेकिन वहाँ पर प्रोसेस चेंज हुआ है, वहाँ पर फेसबुक अकाउंट डिलीट नहीं हो रहे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बात बताता चलूँ कि 2 महीने पहले अब फेसबुक पर न्यू अपडेट आई है, मतलब डिलीशन के हवाले से उसको थोड़ा सा अपडेट किए, तो आप कैसे डिलीट कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक आपने जरूर देखनी है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपने 3 लाइन पर राइट साइड पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे दोस्तों सेटिंग पर आपने फाइंड करना है, अपने सेटिंग पर क्लिक करना है। तो आप जैसे सेटिंग पर फ्रेंड क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऊपर लिखा होगा पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इसके लिए आपने वेट करना है। तो नीचे दोस्तों आपको लिखा होगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपको इस तरह से पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे दोस्तों लिखा होगा डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, तो आपने इस पर क्लिक कर लेने। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको ऊपर डीएक्टिवेट अकाउंट लिखा होगा क्योंकि ये टेम्प्रेरी तौर पर है, ठीक है। और नीचे आपको डिलीट अकाउंट लिखा होगा, तो आपने इस पर डिलीट अकाउंट पर क्लिक करने, नीचे आपने कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन, आपने इस पर क्लिक कर लेने। फ्रेंड्स आपसे ये पूछे जा रहे हैं कि आप इस अकाउंट को किस वजह से आप मतलब डिलीट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप ऊपर वाले भी क्लिक कर सकते हैं आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, आपने इस पर क्लिक करने। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ सेकंड आपने वेट करने, तो इस तरह से आपको नया पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपने कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन, आपने अगेन इस पर क्लिक करने, तो ये करने। यहाँ पर दोस्तों आप सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मतलब जैसे कि आप डेटा भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बाकी आप सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्योंकि मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ परमानेंटली डिलीट अकाउंट, तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो आपने ये स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको लिखा होगा डिलीट अकाउंट, तो फ्रेंड आपने डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर लेने। अब यहाँ पर दोस्तों आपने ये करना है कि यहाँ पर आपने पासवर्ड ऐड करने। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब यहाँ पर आप पासवर्ड ऐड करेंगे और यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये अकाउंट डिलीट होगा दोस्तों, ये आपने कम अज़ कम 30 दिन आपने इसको नहीं खोलने, तो ये आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर आप 30 दिन से पहले मतलब 10 दिन बाद या 15 दिन आप इसको लॉग इन करेंगे तो दोस्तों फिर आपको ये अकाउंट मतलब मिलेगा, मतलब ये डिलीट नहीं होगा। तो आपने कम से कम 30 दिन ये अकाउंट नहीं इस्तेमाल करने, इसको डिलीट कर लेना है, तो आपका अकाउंट जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। फ्रेंड्स